नमस्ते टू ऑल, जय श्री कृष्णा। आज छोटी सी वीडियो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको फॉलो करना है। लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले एक ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। अगर आपकी लाइफ में आप अच्छे रिश्ते मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ये नहीं कि आपके पास अगर बुरे रिश्ते भी हैं तो आप कंप्लेनिंग या कर्ज फील करें, ऊपर वाले को बार बार बोलें कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में दिए हैं। एक्चुअली ये इन लोगों की वजह से आप स्ट्रगल फेस करना सीख जाते हैं लाइफ में, आप इतने स्ट्रांग बन जाते हैं जो आप अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी तरफ। जब तक आप उन्हें थैंक यू नहीं बोलेंगे, उन्हें फॉरगिव नहीं करेंगे तो अच्छे लोग कहाँ से आ जाएंगे। हमें कुछ भी लाइफ में अपने अट्रैक्ट करना होता है तो उसके लिए हमें जगह बनानी होती है। हमें मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स मैं जैसे बताती हूँ उन्हें फॉलो करना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है किसी चीज़ को, किसी न्यू चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर पुरानी चीज़ें आपको पसंद नहीं है, पुराने रिश्ते आपको पसंद नहीं है, तो भी आप उन्हें फॉरगिव करना स्टार्ट कीजिए, तभी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और अच्छा वाला पर्सन आएगा जो ब्लेसिंग्स देगा आपकी लाइफ में, आपके लिए लकी साबित होगा। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मतलब मनी को ये नहीं बोलेंगे आपकी मेरे पास पैसा है, टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, या कोई मेरे पैसे लेके भागे। जैसी एनर्जी आप पैसों को दोगे वैसी ही एनर्जी वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो आप पैसे को ब्लेसिंग्स दोगे, पैसा हमारी बातें देखता है, सुनता है। साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, मनी साइकोलॉजी, तो उसमें ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हमें बताई गई है जिससे हमारी लाइफ में पैसा मैनिफेस्ट होता है, आप अर्निंग करने के लायक बन जाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को कर्ज देने से, गॉड को कंप्लेन करने से आप अपनी लाइफ में बहुत गलत चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे अच्छा आप ब्लेसिंग्स में ध्यान दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए सबको, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी अच्छा किया या गलत किया। जितनी ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स देंगे, जितनी ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड रखेंगे अपना ग्रैटिट्यूड वाला, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स पड़ेंगी। तो जिन्होंने बुरा किया है उन्हें ब्लेस कीजिए और साइड कीजिए, आपकी लाइफ में नए बंदे आएंगे, नया कुछ लेके आएंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। आपको अपनी ऑरा पर, अपने माइंड पर कभी नेगेटिव लोगों को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आप उनके थैंकफुल बनिए क्योंकि उन्होंने आपको स्ट्रांग बनाया है। आप ये मेरी छोटे छोटे से टिप्स टाइम टू टाइम फॉलो किया कीजिए, अपना एक माइंड सेट बनाइए कि गलत सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी फिर। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते, स्टे ब्लेस्ड।